हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये तीनों दरजात मर्द मोमिन के बयान फरमाए फरमाए हदीस मज़कूरा में मर्द मोमिन के तीन दरजात ज़िक्र किए गए। ये तीन दरजात, ईमान भी एक दर्जा है, इस्लाम भी एक दर्जा है और एहसान भी एक दर्जा है, और ये तीनों दर्जे इस हदीस के अंदर ज़िक्र हैं और ये तीनों दर्जे मर्द मोमिन के हैं, मर्द मोमिन के हैं। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इन तीनों दरजात में से पहले जो दो हैं ईमान और एहसान, इसका ताल्लुक शरीयत के साथ है, और तीसरा दर्जा एहसान, इसका ताल्लुक तरीकत से है। तो पता चला कि चाहे तरीकत है चाहे शरीयत है, दोनों अपने अपने मकाम पर हैसियत रखते हैं लेकिन एक दूसरे से जुदा नहीं। शरीयत तरीकत से जुदा नहीं और तरीकत शरीयत से जुदा नहीं। अल्लाहु अकबर। सूफिया की भी एक लाइन है, जैसे उलमा की एक फहरिस्त है, जैसे उलूम शरिया हैं, जैसे एक शरीयत है तो तरीकत भी है, हकीकत भी है, और ये तरीकत और हकीकत शरीयत से जुदा नहीं, शरीयत से जुदा नहीं। जो आलिम तो हो, शरीयत जानता हो और तरीकत और हकीकत ना जानता हो उससे भी बचिए, और जो तरीकत और हकीकत को जानता हो लेकिन शरीयत को ना जानता हो उससे भी बचिए। लिहाजा ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के लिए लाजिम व मलजूम हैं, शरीयत तरीकत के साथ, तरीकत शरीयत के साथ, शरीयत तरीकत से जुदा नहीं, तरीकत शरीयत से जुदा नहीं। और जो जो सिफतें तसव्वुफ के अंदर हैं वो सारी सिफतें जिसके अंदर हों उसे सूफ़ी कहते हैं,